हेलो फ्रेंड्स, फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग फ़ोन और इसमें पैटर्न लॉक है। तो पैटर्न अनलॉक कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पैटर्न अनलॉक करने से पहले आपको ध्यान रखना है, फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे तो स्विच ऑफ नहीं होगा। पहले सिक्योरिटी पैच में स्विच ऑफ हो जाता था, इसमें नहीं होता। अब फ़ोन को रिस्टार्ट करेंगे तो रिस्टार्ट भी नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, रिस्टार्ट नहीं होगा। तो अब करना क्या है, वॉल्यूम डाउन बटन दबाना है और पावर बटन दोनों साथ में दबाना है। जैसे ही स्क्रीन ऑफ होती है, वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप बटन दबाना है और पावर बटन भी दबाना है। थोड़ा भी आप मिस करेंगे तो फ़ोन चालू हो जाएगा, रिकवरी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ा मिस हुआ है तो फ़ोन चालू हो गया, तो हम फिर से ट्राई करेंगे। फिर से वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दबाते हैं। स्क्रीन ऑफ हो गया, वॉल्यूम अप बटन दबा देना है और डाउन बटन छोड़ देना है। थोड़ा टाइम दबाना है, फिर दोनों बटन छोड़ देना है। उसके बाद अब वॉल्यूम डाउन बटन से आपको वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है, वॉल्यूम डाउन से यस सिलेक्ट करना है, पावर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो गया है। अब रिबूट पे क्लिक करना है। फ़ोन नॉर्मल चालू होने में 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ट्यूटोरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी चैनल फिक्स मोबाइल एंड कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।